मांझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया वार्ड नंबर 3 स्थित कोहड़ा नदी में दोपहर को वार्ड नंबर 6 निवासी शेख बाबूजान के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जहीम और उसके दो दोस्त कोहड़ा नदी में नहाने गए, लेकिन जहीम नदी में डूब गया और दोनों दोस्त शेख आलमगीर व इब्राहिम अंसारी बचकर निकल गए। इस घटना की सूचना जौकटिया मुखिया पति को मिली तो उन्होंने त्वरित मझौलिया पुलिस व मझौलिया सीओ को सूचना दी। सूचना पाकर मझौलिया के दरोगा योगेंद्र सिंह, सज्जाद गद्दी, सुनील सिंह अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंची और खोजबीन शुरू कर दी। बताते चले कि डूबने वाला युवक कल ही बाहर से कमा कर घर आया था। बताया जाता है कि युवक तैरना नहीं जानता था। वहीं समाचार प्रेषण तक एनडीआरएफ की टीम सहित ग्रामीण भी खोजने में जुटे हुए हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया, बिहार। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत प्राणपुर थाना परिसर में बकरीद एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्राणपुर थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि प्राणपुर प्रखंड प्रमुख अमित शाह एवं मुखिया प्रमोद सिंह, जदयू अध्यक्ष लड्डू सिंह सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में प्राणपुर प्रखंड प्रमुख अमित शाह ने बताया कि बकरीद पर्व और 15 अगस्त हमारे क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को संपन्न कराना है, किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, जिससे हम लोगों के बीच किसी भी तरह का नकारात्मक भेदभाव न पैदा हो, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। जो इस पर्व में विवाद करेंगे ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी हमारे प्राणपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय सम्मानित जन को बुलाया गया है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो आज तक प्राणपुर प्रखंड का इतिहास रहा है, आपसी मेलजोल के साथ गंगा जमुना तहजीब पे जो हम लोगों ने पर्व मनाने का काम किया है, निश्चित रूप से उसी तरीके से हम लोग बकरीद पर्व को दोनों धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट, कटिहार, बिहार। कटिहार जिले में राष्ट्रीय स्वच्छाग्राही की समस्या प्रोत्साहन राशि को लेकर एवं नियमित की मांग को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। देखा जाए कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वच्छाग्राही ने धरना प्रदर्शन करने को विवश। धरना प्रदर्शन में BDO, CEO हाया का नाराबाजी लगभग घंटों तक करते रहे। राष्ट्रीय स्वच्छाग्राही संघ के जिला मीडिया प्रभारी प्रीतम कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्वसम्मत से विभिन्न मांगों की रूपरेखा तय की गई एवं प्रोत्साहन राशि की बहुत बड़ी समस्या पर विचार किया गया। प्राणपुर प्रखंड में 2 साल कार्य को करने पर मात्र 6,000 राशि का भुगतान मिला। इसे सभी स्वच्छाग्राही को दुर्व्यवहार एवं शोषण किया जा रहा है। इसे सभी स्वच्छाग्राही आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी अपने अपने पंचायतों में पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत मिशन का कार्य कर रहे हैं। इन सभी की सरकार से मांग है कि कार्य को देखते हुए हम सभी साथियों पर विचार करें, क्योंकि पूरे भारत में ODF करने में हम सभी स्वच्छाग्राही के कारण से ही कार्य पूरा हुआ, लेकिन हम सभी को सरकार कुचलने एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्वच्छाग्राही संघ के प्रखंड अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अली ने कहा कि हम लोगों को कार्य किए 2 साल हो गए, लेकिन हम लोगों के वेतन पर सरकार की कोई नजर नहीं गई, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम लोगों की मांगों को लेकर सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। और प्रखंड कार्यालय पर BDO, CEO के उपस्थित नहीं रहने पर स्वच्छाग्राही में काफी आक्रोश देखा गया। स्वच्छाग्राही की 5 घंटों से धरना प्रदर्शन पर बैठने की बात सुनते ही प्राणपुर के थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और राष्ट्रीय स्वच्छाग्राही को समझा बुझा कर आश्वासन दिया। सभी स्वच्छाग्राही की मांग है कि हम लोगों को नियमित किया एवं हम लोगों की प्रोत्साहन राशि को समय के अनुकूल दिया जाए। धरना प्रदर्शन किए हैं हम लोग, स्वच्छाग्राही हैं हम लोग, आज 2.5 साल से वर्क कर रहे हैं। आज पूरे भारत को ODF करने में स्वच्छता का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज खुद प्रधानमंत्री स्वच्छाग्राही का नाम खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि आज ODF का जो कार्य किया गया है, आज पूरे भारत में शौचालय का निर्माण किया गया है, आज मोटिवेट करने में स्वच्छाग्राही सबसे आगे है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी, जो रवैया है, जो बिहार सरकार का, हम लोग को कुचलने काम कर रही है। धीरे धीरे हमारे साथियों को हटाया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कार्य से हटाने का। प्लस प्रोत्साहन राशि जो सरकार हमें दी है, वो प्रोत्साहन राशि उचित समय पे नहीं दिया जा रहा है। आज कदवा प्रखंड में 26 से 32 हज़ार रुपये मिला है, आजादन में 21 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया गया है। खुद बरारी कोढ़ा प्रखंड में 18 हज़ार से 19 हज़ार रुपये दिया गया, लेकिन प्राणपुर प्रखंड में मात्र 4 से 6 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया गया है। बताइए, जो 2 साल से वर्क कर रहे हैं, मात्र 4 से 6 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि दिया गया है। कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्रखंड राशि द्वारा, और हम लोग को हटाने बार बार धमकी दिया जा रहा है। क्या धमकी में क्या क्या दिया जा रहा है? धमकी में दिया जा रहा है कि आप लोग को कार्य से मुक्त किया जाएगा, आप लोग कार्य करिए, लेकिन प्रोत्साहन राशि के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है।
इतना इतना पर्व, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, बकरीद, इतना इतना पर्व किया, लेकिन प्रोत्साहन राशि के नाम पर जीरो बैलेंस, एक भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों का कब तक सिलसिला चलते रहेगी? हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और चंपारण में हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग को अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, हम लोग को कार्य किया जाए। इसलिए कि आज हम लोग जो कार्य किया है, आज किसी भी विभाग ने यह कार्य नहीं किया, जो स्वच्छाग्रही नहीं किया, फिर यह पोस्ट में हम लोग काम किए हैं, आज पूरे भारत को शौचालय परिपूर्ण किए हैं। आज रोड गली पे चलते हैं तो स्वच्छ के लिए बाहर कोई बच्चे नहीं खड़ाते हैं, सब घर में शौचालय बना है। आज मोटिवेट करने में हम लोग आगे हैं, लेकिन आज इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी हम लोग कुचला जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह, जिला मेडवी कटिहार। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट, कटिहार, बिहार।